वालेकुम नाजरीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ सुवारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब, सीनियर तजियाकार सहाफ़ी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे वेलकम देने के लिए। सर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ बुरी खबरें आई हैं कि एक तो उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बुरी खबर मौसूल हुई है, दूसरा ये कि वो कुरम एजेंसी के जो इंतखाबात हुए उसको एक बार फिर से मुस्तरद कर रहे हैं, वो नहीं मानते उसको, जो ज़िमनी इंतखाब हुआ चूंकि वहां से पीटीआई जीत चुकी है इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हस्ब रिवायत हस्ब साबिक वो जो नतायज है वो मुस्तरद कर दिए हैं। डेफिनेटली मैं पहले भी कई बार ये गुजारिशात अपने सुनने और देखने वालों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि हर वो इलेक्शन साफ और शिफाफ इलेक्शन होंगे जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक 22 नंबर का बंगला मिलेगा, 44 लाख की लस्सियाँ मिलेंगी, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब होंगे, आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। ठीक है, ये तय कर्म है, जिस इलेक्शन में भी ये हारेंगे ना, ठीक है, तो वो इलेक्शन के नतायज ये लोग मुस्तरद करेंगे। समझ आ गई है? तो एक बात तो ये हो गई। देखिए बाकी जिन नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई को जो है ना शिकस्त हुई है तो वो इलेक्शन भी इसी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कंडक्ट कराए है ना, तो उस हवाले से कभी इन लोगों का बयान क्यों सामने नहीं आता? आखिर अगर उसमें भी बेजाब्त किया तो हुई होंगी ना, तो उस वक्त ये खामोश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मसला ये नहीं है कि ये निजाम ठीक हो, इनका मसला ये है कि निजाम एक ऐसा बनाना है आपने कि जिसमें हर सूरत नतीजा हमारे हक में आए। ठीक है, चाहिए तो ये था कि पीटीआई वाले सबसे ज्यादा शोर करते ना, क्योंकि 4 से 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई है। एक बात तो ये हो गई। खैर इस हवाले से जो इसके दीगर पहलू हैं तफसीली तौर पे हम रोजाना की बुनियाद पे डिस्कस करते रहते हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपका सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सहाफी पे गुस्सा निकाल लिया, तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। सहाफी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी ने तो यू टर्न ले लिया है, यूसुफ रजा गिलानी कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के कोई शवाहिद मुझे नहीं मिल रहे। अच्छा, यानी ये जो बात की जा रही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो है सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत करेगी, अपोजिशन के अराकीन को तोड़ेगी, ठीक है, और इस तरह इमरान खान साहब को जितवाएगी, तो यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से उस सहाफी ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी तो यू टर्न ले चुकी है जबकि आपका मौकफ यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना सियासी मुदाखलत करती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वैसे आजकल बहुत ज्यादा गमजदा है, परेशान है, दुखी है 2-2.5 सालों से, तो उन्होंने कहा कि आप बात का बतंगड़ ना बनाए, आप बात का बतंगड़ मत बनाया करें, आप जो है ना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में यूसुफ रजा गिलानी का बयान पेश नहीं कर रहे, और भाई आप लोग खुद ही ललकारते हो, खुद ही ललकारते हो ना, खुद ही आप कहते हो कि जी जीएचक्यू के सामने जाके हम धरना देंगे। ठीक है, तो फिर अपने अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करें ना। अब उस बयान से तो इन्होंने यू टर्न ले लिया है कि हम जीएचक्यू के सामने धरना देंगे, वो तो ले लिया है ना वापस, लॉन्ग मार्च का रुख हम जीएचक्यू की तरफ मोड़ेंगे। तो फिर जब सहाफी सवाल पूछते हैं जी आप बात का पतंगड़ बनाते हैं तो आप किया ही ना करें, हम तो पहले ही दिन से ये कह रहे हैं ना कि न खंजर उठेगा न तलवारों से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट से जो बुरी खबर है वो कल उस हवाले से जो उनके एक फ्रंट मैन है मूसा खान, ठीक है, तो मूसा खान जो है वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं डेरा इस्माइल खान में। डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 82-85 किलोमीटर दूर एक इलाका है, डक्की भी कहते हैं, और इसके अलावा पहाड़पुर, ठीक है, ये दोनों से उनका ताल्लुक है मूसा खान साहब का, और DFO रहे हैं, और उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक तो आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं और दूसरा इल्ज़ाम उन पे ये है कि उन्होंने गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। अच्छा। ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मोतमेदे खास हैं वो,
तो मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन पे गलत इल्जाम लगाए गए हैं, चूंकि वो मेरा करीबी साथी है, मेरा राइट हैंड है, इसलिए उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो उससे पहले भी मूसा खान साहब इस पेशावर हाई कोर्ट गए थे जमानत लेने के लिए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मनसूख कर दी थी और बाकायदा नैब को हिदायत जारी कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने कि आप इस केस का जो फैसला है ये 6 महीनों में सुनाएं, यानी इस केस को 6 महीनों तक जो है आप मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। तो वहां से उनकी जमानत मुस्तरद हो गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, इन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत मुस्तरद कर दी है, ठीक है, और बरकरार रखा है कि 6 महीनों में आप मंतकी अंजाम तक ये केस पहुंचाएं। 40 गवाहान है उस केस में मूसा खान के खिलाफ, ठीक है, 40 गवाहान। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट अगर उनकी जमानत मुस्तरद करता है दरखास्त और सुप्रीम कोर्ट भी मुस्तरद करता है तो दैट मींस कि उस केस में कोई जान होगी ना, ठीक है, उस पर फसल होगा ना, इल्जामात में किसी हद तक सदाकत होगी ना, वो के अभी तक वो मुकम्मल तौर पे साबित होनी है इन्वेस्टिगेशन के मराहिल से गुजरने के बाद। तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि 4 लोग उनके ऑलरेडी नैब की हिरासत में है और वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर ये है कि उनका जो खास तरीन फ्रंट मैन है अब उनके हवाले से जो केस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत मुस्तरद कर दी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जाती सेहत में तो जमानत नहीं देनी ना, तो मौलाना फजल रहमान साहब को ये पता है कि अगर मेरा ये बंदा जो है वो वादा माफ गवाह बन गया तो मेरा बचना मुहाल है, मेरा बचना मुश्किल है। चारों तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो घेरे में आ चुके हैं, इसलिए आप उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार आप देखते हैं कि जब साफी इन्हीं के बयानात उठा के इनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये अब भागने की तैयारी कर रहे हैं ना, आपने अपने मौकफ में अब लचक पैदा कर ली है, नरमी पैदा कर ली है मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक है, तो आपने जो सख्त बयानात दिए थे 3-4 महीने जो आपने तकरीर की थी वो तो हम याद दिलाएंगे भाई, बिल्कुल, आपने कहा था कि हम टैंकों के आगे लेटेंगे, अभी आपको टैंकों के आगे बेशक आप न लेटें हम ये आपसे नहीं कहते, लेकिन आपको याद दिलाएंगे आपकी हैसियत कि आपने ये कहा था, आप अब आप टैंकों की बजाय जो है ना बूटों के आगे लेट रहे हैं और बूटों में लेट रहे हैं, ठीक है, बूटों में आप लाभ लेट रहे हैं, तो मैं आपको ये वादा तो याद दिलाऊंगा, आपको ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन लेनी ही नहीं चाहिए, लेनी ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये है मौलाना फजल रहमान साहब के 4 मुबैना फ्रंटमैन जो है वो और भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा रऊफ मामा इनका मामू है, मामू रऊफ मामा उनका नाम है, फजल रहमान के सगे मामू है और मौलाना फजल रहमान साहब के जो है ना फ्रंट मैन भी हैं, और फजल रहमान साहब के मामू ने आगे और फ्रंट मैन रखे हुए हैं, ठीक है, ड्राइवर वगैरह, माली वगैरह, उनके नाम पे उन्होंने जो है ना 400-400 कनाल 600-600 कनाल जमीनें ली हैं, बंगले ली हैं, जायदादें ली हैं, और हज तक में भी इन लोगों ने करप्शन की, ये भी बता दूं, अब्दुल्ला और इब्रार शाह ये 2 इनके फ्रंट मैन है मौलाना फजल रहमान साहब के, उनके नाम पे 4 फ्रंट कंपनीज बनाई है और इनको मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अदवारे हुकूमत में ये हज के कोटे देते रहे हैं, ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्रंट मैनों के नाम पे कंपनी बनाई, हज के कोटे मिलते रहे और सबसे ज्यादा इन लोगों को मिलते रहे, तो हज तक को भी इन लोगों ने जो है माफ नहीं किया। खैर फजल रहमान साहब के हवाले से तो दर्जनों वीडियोस में पहले कर चुका हूँ, उनके जो करप्शन की दास्तानें हैं तो वो तो 1 घंटे के वीडियो में भी उसका इहाता करना मुमकिन नहीं है। तो उनको ये कहा जाए कि पिज्जा खाने की जो ख्वाहिश थी वो बड़ी महंगी पड़ गई है और बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं मौलाना साहब, अब देखते हैं कि आने वाले दिन उन पर मजीद भारी न पड़ जाए, क्योंकि अब उनका गुस्सा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि मासूम साफी पर निकलने लग गया, और जो इनके अल्फाज हैं वो याद कराने पे ये मासूम साफियों पे, मासूम तो खैर नहीं लेकिन साफियों पे बरस पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया।